नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं नीति ग्रंथ में से सबसे सर्वोच्च शुक्र नीति के बारे में। देवताओं के हित चिंतक जिस प्रकार गुरु बृहस्पति हैं, वैसे ही असुरों के हित चिंतक तथा गुरु शुक्राचार्य हैं। ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को जिस महानीति शास्त्र का उपदेश दिया और जो बाद में ग्रंथ के रूप में सृजित हुआ, उसे शुक्र नीति के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण के अनुसार इसमें संकलित श्लोकों की संख्या 1 करोड़ है, जबकि संप्रति जो ग्रंथ उपलब्ध है उसे देखकर ऐसा आभास होता है कि यह संभवतः मूल ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण है। 5 प्रकरणों राजकृत्य अधिकार, युवराज आदि लक्षण, नृपराज आदि लक्षण, मित्र प्रकरण तथा खील नीति निरूपण में विभक्त शुक्र नीति ग्रंथ के विषय में विद्वान जनों की मान्यता है कि तीनों लोकों में इस शुक्र नीति शास्त्र की तुलना अथवा समता करने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं है। राजा का चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या हैं, राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नीतियाँ क्या हों, इन सबकी विशद जानकारी प्रदान करने वाला शुक्र नीति शास्त्र को भले ही आज की व्यवस्था में अनुपयोगी कहा जाए, तथापि यह निर्विवाद है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रबंधन से संबंधित जो ज्ञान यह ग्रंथ प्रदान करता है तथा परिभाषिक शब्दावली में उलझे बिना जीवन दर्शन के जो व्यवहारिक पक्ष शुक्र नीति शास्त्र सुस्पष्ट ढंग से व्याख्यात करता है, वह अद्वितीय एवं विलक्षण है। महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपने नीति शास्त्र में यह स्पष्ट किया है कि कभी भी किसी विद्वान को किसी अनैतिक कृत्य को नीतिगत नैतिक प्रमाणित करने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अभीष्ट की प्राप्ति भ्रांतिमूलक ही होती है, वह वास्तविक कदापि नहीं हो सकती। निसंदेह इससे तात्कालिक इष्ट सिद्धि हो जाती है और ऐसी कुचेष्टा करने वाला तत्काल तो प्रसन्न हो जाता है, किंतु धीरे धीरे उसकी यह कुचेष्टा जग जाहिर हो जाती है और तब उसे अपनी भ्रांति पर दुख होता है तथा अंततः उसे लज्जित होना पड़ता है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।